हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लवली हैक्स। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फाइनली आज मैं अपने यूट्यूब के इनकम से कुछ लेने वाली हूँ, कुछ स्पेशल लेने वाली हूँ। और वो तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं क्या लेने वाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी कि मैं क्या ले रही हूँ, गए थे हम, क्या किए क्या नहीं किए, वहाँ पर कैसा रहा और क्या रेंज है, सब कुछ मैं डिटेल में वीडियो में आगे बताऊंगी। तो उसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और वीडियो को पूरा देखना होगा और शेयर भी करना होगा। और साथ ही में अगर आप इंस्टा पे हैं तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, तो एक छोटी सी हेल्प हो जाएगी मेरी। और यूट्यूब पे तो आपका मुझे पूरा सपोर्ट मिलता ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और आप प्लीज़ मुझे YouTube पे सपोर्ट करिए, ताकि आगे हम और भी कुछ लें, और भी डिटेल में आपको हम बताएं, और भी जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करें, जो भी नया करें, तो वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल्स में बताएं। तो उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए पूरा एंड तक और स्टार्ट करते हैं, फिर हम चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, क्या चीज़ आखिर मैं लेने वाली हूँ अपने YouTube इनकम से। तो लेट्स गेट स्टार्ट गाइस। मैं बाहर निकलने ही वाली थी, उसकी वजह से इतनी तेज़ ये आंधी आ रही थी, आप देख सकते हो। लेकिन हंसी मुझे इस बात पे आ रही थी कि धूप भी इतनी तेज़ थी, लेकिन उसके बाद भी आंधी आ रही थी, बट अच्छा लगा। लेकिन धूल धूल पूरा धूल ही धूल हो गया, आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा धूल पूरा फैल चुका था। तो बाहर जाने का पहले तो मन नहीं किया, लेकिन हम रेडी हो गए थे तो जाना ही पड़ा। ओके सो चलते हैं, और आपको आगे का ब्लॉग देखना होगा आगे की सारी डिटेल्स के लिए, अपडेट्स के लिए। सो बने रहिए और मिलते हैं आपको हम उस जगह पे जहाँ हम जा रहे हैं। सो गाइज, हम अभी वाराणसी में आए हुए थे और मैं जा रही हूँ यहाँ चेतमढ़ी में, जो आपको पता ही होगा, और इसी लोकेशन पे हमें जाना था। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो मैंने ये दो अभी निकलवाया था और भी वो निकाल रहे थे। हमें सिंपल में ही कुछ ऐसा लेना था, जो कोई एक ही चीज़, तो मैं आपको आगे वो अपडेट दूंगी, क्योंकि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं था और आगे आपको पता चलेगा। उसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा, सो बने रहिए। और ये है पूरा चेतमढ़ी का अंदर का, जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, डायमंड के सारे कलेक्शंस हैं, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छा स्टोर भी है। सो गाइस, फाइनली अब हमने ले लिया है, लेकिन मैं आ गई हूँ घर पे और वो चीज़ मेरे अभी हाथ में है। ये रहा। सो इसको मैं अच्छे से आपको डिटेल में दिखाती हूँ, उसका रेंज भी बताती हूँ, और साथ में ओपन भी करके आपको पूरा बकायदे दिखाऊंगी कि हमने क्या लिया, कौन सा लिया। प्लीज बने रहिए और मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से डिटेल में। सो हमने ये लिया है इस ब्रांड से, आपने इसको आप जानते ही होंगे, और मैंने ये वाराणसी से लिया है। वाराणस में अभी मैं हूँ फिलहाल, और धूप बहुत ही तेज़ थी, इसलिए इस स्टॉल से एकदम मुंह बांध के हम गए, क्योंकि आप बाहर निकलने लायक बिल्कुल भी नहीं है, और बाहर का माहौल जो है बहुत ही ख़राब है, इतना ज़्यादा धूप और एकदम गर्म हवाएं चल रही है ना, कि आपका फेस लगता है कि जल जाएगा। तो मैंने खुद के YouTube के पैसे से फाइनली अपने आप को गिफ्ट किया है ये, तो मैं आप सबको दिखाती हूँ। मुझे पता है आप सब भी बहुत एक्साइटेड होंगे कि आखिर वो कौन सा गिफ्ट है जो मैंने अपने आप को दिया है। एक एक करके ओपन करेंगे। मैंने दो चीज़ लिया है और दोनों मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये, आप इस डिब्बे को देख के गेस करिए इसमें क्या होगा, कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए कि इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है थालू, तुम बताओ क्या हो सकता है इसमें। चैन थालू पहले से ही यही बोला है। तो इसको पास से दिखाना, ये चेतमढ़ी से मैंने लिया हुआ है, और ये है सिंपल सा चैन, जो कि देखने में ही सिंपल है, बट इसमें बहुत पैसे लग गए हैं। पास से दिखा दीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे पास से। हाँ जी, दिख रहा है ना। हाँ।
सो ये चैन मैंने लिया है, इसकी डिज़ाइन बहुत प्यारी है। मैं आपको जो मैंने वहाँ पे शूट किया था जो वीडियो थोड़ा सा, मैं वो भी क्लिप में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा मुझे लेना था हमेशा पहनने के लिए, और ये आपको मेरे गले में अब हमेशा दिखेगा, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा था कि दीदी आपका गला क्यों खाली रहता है इंस्टाग्राम पे भी, तो इसी वजह से खाली रहता है कि मेरे पास चैन नहीं था, बट अभी मेरे पास चैन हो गया, अब मेरे गले में ये चैन आपको हमेशा दिखेगी। और बाकी मेरा बहुत शौक़ था कि एक सिंपल सा चैन मैं हमेशा अपने गले में पहनूं, तो यूट्यूब पे इतना मेहनत करने के बाद अगर कुछ हुआ है, थोड़ा सा जो सपोर्ट मिला है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने आप को गिफ्ट देना बनता है, तो मैंने ये प्यारा सा चैन लिया है। पास दिखा, इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये पहले छोटा छोटा ऐसा गोल गोल सा है, फिर बीच में इस टाइप से है, और फिर नीचे ऐसे गोल सा है, तो ये बहुत ही प्यारा बहुत ही यूनिक सा लग रहा है और मुझे बहुत प्यारा लगा। और इसका आप ये पास से ये डिज़ाइन देख सकते हैं कि इसमें कैसे राउंड राउंड करके एकदम छोटा छोटा सा राउंड करके इसमें दिखा हुआ है, जूम अच्छे से हो रहा है ना, तो इसमें एकदम राउंड होके ये एकदम छोटा 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 सा उसमें चैन बना हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, और मैं इसको पहन के भी आपको दिखाती हूँ। सॉरी, ये 22 कैरेट का है ये चैन, और इतना लंबा सा और बहुत ही यूनिक सा प्यारा सा है, 22 कैरेट का है। वैसे मैंने सोचा था 18 कैरेट का लूँगी कम बजट में, अपने बजट को देखते हुए, बट मैंने इसे 22 कैरेट का लिया क्योंकि इतने बजट में मुझे मिल जा रहा था। पास से दिखाओ सर, और पास करो। सो ये गाइस आप देख सकते हो, ये चैन मैंने पहन लिया है, तो ये कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये मेरा पहला गिफ्ट है अपने आप को, और इसकी जो प्राइस है वो 26K है, यानी आप 25-26K के बीच में है, और बहुत ही प्यारा सा है, मुझे बहुत पसंद आया और मुझे हमेशा पहनने के लिए चाहिए था, तो मैंने ये लिया। तो आप बताइएगा कमेंट में ये कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट जल्दी से नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, जो मुझे मेकअप का बोलते बोलते आदत हो गया है नेक्स्ट प्रोडक्ट पर अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने गिफ्ट की तरफ जो मैंने खुद को दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट गिफ्ट है ये बहुत प्यारा सा पर्स लग रहा है एकदम, जैसे पहले आपने देखा होगा हमेशा ये पर्स मम्मी लोग रखती है हमारी, मिडिल क्लास फैमिली में आपको ऑलवेज दिख जाएगा ये पर्स। तो इसमें जो ये चीज़ है, आ जाओ कने, इसमें जो ये चीज़ है वो आपको अभी थोड़े देर में तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन आप एक बार गेस करिए इसमें क्या होगा। सालू बताओ इसमें क्या हो सकता है। रिंग। रिंग। हाँ, इसमें है रिंग, बहुत ही प्यारा सा ये रिंग है। कैसा लग रहा है कृष्णा, ऐसा तुम बोली कि बंद हो गया इसमें ये बहुत ही प्यारा सा रिंग है, जो कि ये रोज गोल्ड है, इसका कलर थोड़ा सा यूनिक होता है, और मुझे ऐसा ही सोना, ये वाला सोना बहुत ही पसंद है। आप देखा देख सकते हैं, मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये वाला सोना दिख रहा है ना। तो ये वाला सोना जो है, और इसकी ये जो चीजें हैं ये आप देखिए कितनी प्यारी है। तो ये रिंग मैंने खुद को लिया है क्योंकि मुझे इस फिंगर में हमेशा एक रिंग चाहिए होती है, और इसलिए मैंने ये रिंग लिया है, और बहुत ही प्यारा सा ये रिंग है। और कैसा लग रहा है मेरे हाथ में आप ये भी बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये रिंग, सो इसलिए मैंने लिया, और मुझे एक ही नज़र में ये पसंद आ गया, पहला रिंग खुला और यही रिंग निकला, और एक ही नज़र में मुझे पसंद आ गया, इसलिए मैंने इसे ले लिया। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है वो है 13K 6 रुपये बाकी थे, तो ये 13,000 का ये जो रिंग है ये मैंने लिया है अपने आप के लिए। ठीक है, तो ये दो गिफ्ट मैंने अपने आप को दिया है, ये फैमिली है, जितनी भी मेरी सोशल मीडिया पे फैमिली है उन सबको थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके ही बदौलत
मैंने ये गिफ्ट अपने आपको दिया है। तो ऐसे ही सपोर्ट करिएगा, अपना प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, लाइक करिएगा, और भी आगे लाइफ में अगर कुछ और भी अचीव किया हमने तो वो सब आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। और साथ फिर अब नेक्स्ट वीडियो मैं शेयर करूंगी जल्द ही, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए आप मुझे एक बार सजेस्ट भी कर दिया करिए प्लीज़, कम्युनिटी पे जाके या फिर आप किसी भी मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए, तो मैं वैसी वीडियोस जरूर लाने की कोशिश करूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा। बाय बाय।